2024 चुनाव के लिए आईएसआई के साथ साजिश रची जा रही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके साथ ये पूरी प्लानिंग साजिश रची जा रही थी और इस प्लानिंग और प्लॉटिंग का प्रमुख किरदार लगातार अमृतपाल बना हुआ था। अमृतपाल को लेकर जो इस वक्त डिटेल्स है, देखिए अमित भारद्वाज जिस प्लॉटिंग प्लानिंग का आप जिक्र कर रहे हैं आईएसआई की, उसमें एक बड़ा मुकाम हासिल करने की आने वाले वक्त में प्लानिंग थी, संसद तक इन तमाम समर्थकों को पहुंचाने की प्लानिंग थी और इस पूरी प्लानिंग में अमृतपाल का किरदार अब जाकर कुछ कम होना शुरू हुआ, तभी शायद वो शिथिल पड़ा और मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और उसने आखिरकार आत्मसमर्पण किया गुरुद्वारे में जाके मोंगा के रोड़े गांव में। सिख जत्थेदार जो है वो लगातार प्रेशर बना रहे थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफेम कर रहे थे ये रिलीजन को, कम्युनिटी को, और उन्होंने प्रेशर बनाया एमपी सिख जत्थेदारों ने कि आप सरेंडर करिए, जिसमें आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इतनी बड़ी हरकत की आपके खिलाफ मामले दर्ज हैं और आप लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, सरकारों को चैलेंज कर रहे हैं। आप पूरी जो है जो पूरे पंजाब की छवि है, जो पूरी कम्युनिटी की छवि है, पूरे जो प्रांत की छवि है वो खराब कर रहे हैं आप इस तरह से छुप नहीं सकते क्योंकि लगातार जो है सिख जत्थेबंदियां सिख जत्थेदार जो है वो प्रेशर बना रहे थे कि आप सरेंडर करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आईएसआई का पूरा प्लॉट है। भिंडरावाला 2.0 वहीं से शुरुआत होती है, उसी गांव से जहां से भिंडरावाला आते हैं और भिंडरावाला जो जहां पैदा हुए और भिंडरावाला के पूरे स्वरूप को बनाकर उन्होंने वहां पर एक बड़ा समागम किया और खालिस्तानी सोच को जाहिर किया लोगों के आगे और फिर इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स थे, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट थे जो पंजाब ऑलरेडी भुगत चुका है, वो डार्क एरा जो है वो जो डार्क एरा भुगत चुका है उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी खतरनाक हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं कि ये आईएसआई का जो है वो मोहरा था, खालिस्तान का एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सीख फॉर जस्टिस जो है सीख फॉर जस्टिस वो पूरी तरह से यहाँ फेल हो चुका था पंजाब में अपनी मोहर लगाने के चलते और पिछली गवर्नमेंट अपने भी सरकारों ने भी जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काफी ज्यादा जो है प्रयास करके उनको बैन किया, उनकी हरकतों को रोका, उनकी जो भी नापाक हरकतें थी पाकिस्तान के साथ मिलकर आईएसआई के साथ मिलकर उनको रोका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पिछली जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने भी ईश्वरी जो गवर्नमेंट है उसने भी मिलकर जो है ये खालिस्तान का चेहरा नहीं बनने दिया पंजाब को, अमृतपाल को, पंजाब के अमृतपाल तरनतारन से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई थी, चाहे वो खंडा था चाहे उसके जो अन्य साथी थे वो था, तो ये सारी जो ट्रेनिंग भी हुई थी ये भी इसका हिस्सा था। तो आईएसआई लगातार फंडिंग तो जुटा ही रहा था, साथ में स्लीपर सेल्स जो है उनको भी जो है वो इकट्ठा कर रहा था। आपको बता दूं कि इस बार जांच में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी, एजेंसियां जांच करेंगी और वो पूरा जो है खुलासा करेंगी कि किस तरह से जो है चीजें। आप ये बता रहे हैं कि इस पूरी प्लॉटिंग का जो एपी सेंटर था वो आईएसआई, चाहे फंडिंग की बात हो चाहे साजिश को एग्जीक्यूट करने की बात हो, एक बड़े चेहरे बड़े मोहरे के तौर पर अमृतपाल नाम कमाना चाहता था और उसी के तहत वो किस तरीके से बीते 36 दिन या फिर यूं कहा जाए ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम रहे और पंजाब ने जिस दर्द को दंश को झेला है वो वक्त न वापस आने पाए, लिहाजा चुनौती सभी के लिए थी, सिस्टम के लिए भी चुनौती थी। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि कमलदीप मेरे साथ हैं। अमित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कमलदीप, आपके पास सुबह 9:08 की क्या ब्रेकिंग अपडेट है, बताएं। कमलदीप, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद तस्वीरें दिखाएंगे, ये बाघा प्राणा की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाघा प्राणा में कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से नाकेबंदी की गई है, चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी पुलिस की ओर से की गई है ताकि पंजाब में शांति बनी रहे और पंजाब के लोगों को लगातार शांति बनाए रखने की पंजाब पुलिस की ओर से भी अपील की जा रही है। और साथ में कह सकते हैं कि जहां से गांव रोडा तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव रोडा में अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद अमृतपाल को बठिंडा टीम लेकर पहुंची है और जहां से अब अमृतपाल को आसाम ले जाया जाएगा। और आप तस्वीरें देख सकते हो कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, बारी सुरक्षा बल तैनात की गए कि पंजाब के लोग शांति बनाए रखें और चेकिंग वगैरह भी कह सकते हैं की जा रही है लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि बठिंडा में अमृतपाल को लेकर जो जाँच टीम है
वो पहुंच चुकी है और उसके बाद अब असम बाय एयर अमृतपाल को असम ले जाया जाएगा, जहां पर कह सकते हैं जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये बाघा पुराना का आप मेन चौक मान सकते हैं, जिस चौक में इस टाइम भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और शहर में कह सकते हैं जगह जगह पर जो चेकिंग वगैरह है, जहाँ कह सकते हैं पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए और उनको शांति बनाए रखने की अपील पंजाब पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। और दूसरी तरफ आईजी सचैन गिल जो है, आईजी सचैन गिल उनकी ओर से 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। 10 बजे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर पूर्ण तरीके से इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि गिरफ्तारी हुई है, सुबह अमृतपाल गुरुद्वारा में पहुंचते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है और इस समय कह सकते हैं कि आईजी सचैन गिल 10 बजे के आसपास मीडिया से जानकारी दी है, जिसमें कुछ डिटेल्स अभी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अवेटेड थी, वो सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी जाएंगी। उनका इंतजार रहेगा कैसे पूरा ऑपरेशन रहा, सर्च ऑपरेशन कैसे लगातार 36 दिन चला, कैसे इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया और कैसे आखिरकार पंजाब का मोंगा के रोडा गांव में गिरफ्तार हो चुका है, बठिंडा एयरपोर्ट लाया जा चुका है और बठिंडा एयरपोर्ट से विशेष विमान के माध्यम से अब से कुछ ही देर में असम के लिए रवानगी की जानकारी है। अमृतपाल सिंह के साथ पुलिस का बड़ा दल बल है और इस वक्त देखिए बड़ी तस्वीर, ये वीडियो जिसमें गुरुद्वारे में शरण ली थी अमृतपाल सिंह ने, प्रवचन भी किया था अमृतपाल सिंह ने, इस गुरुद्वारे के ग्रंथी ने मीडिया से बात की, बताया पूरा घटनाक्रम और फिर आत्मसमर्पण कर गिरफ्तार हुआ पंजाब के मोंगा के रोड़े जिले से अमृतपाल सिंह, वही रोड़े जिला जहां से इसने अपने सफर की शुरुआत की और वहीं पहुंचा, आत्मसमर्पण किया और उसके बाद गिरफ्तार हुआ आपसे कुछ ही देर में। Z News.